नमस्कार, मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। 8 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में आएंगे 2,000 रुपए। पीएम मोदी जारी करेंगे सम्मान निधि की 14वीं किस्त। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त आज यानी 27 जुलाई को जारी होने वाली है। पीएम मोदी डीबीटी माध्यम से 8 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 16,000 करोड़ रुपए अधिक की रकम ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि काफ़ी वक्त से इस योजना की 14वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि भूलेखों के सत्यापन के चलते इस किस्त को जारी करने में देरी हुई, इन किसानों खातों में नहीं आएगी पीएम किसान की 14वीं किस्त। आपको बता दें, भूलेखों के सत्यापन में जमीन का रिकॉर्ड गलत पाए जाने पर किसानों को इस योजना की लाभार्थी सूची से हटाया जाएगा। वही KYC अपडेट नहीं होने पर भी आप 14वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसानी करते हैं लेकिन किसी संवैधानिक पद पर काम कर रहे हैं तो भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। अब केंद्र या राज्य सरकार के मौजूदा या अवकाश प्राप्त कर्मचारी है तो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। वही अगर आपको सरकार से पेंशन मिलती है तो भी आप इस योजना के योग्य नहीं माने जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने राजस्थान दौरे के दौरान सीकर में आयोजित एक कार्यक्रम में सुबह 11 बजे पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी करेंगे। 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में किसानों के लिए कुछ योजना भी शुरू की जाएगी। विकास कार्यों के लिए लेंगे 10,000 करोड़ कर्ज। आपको बता दें, विकास कार्यों को पूरा करने और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए राज्य सरकार अगले 3 माह में बाजार से 10,000 करोड़ रुपये कर्ज उठाएगी। इनमें सड़क, पुल, पुलियों के निर्माण, भवनों के निर्माण शामिल है। कांग्रेस के वादों की हवा निकालने के लिए सरकार रसोई गैस से मिलने वाले टैक्स में कटौती कर प्रदेश की जनता को राहत दे सकती है। इस पर भी अंदर खाने में चर्चा शुरू हो गई है। जानकार बताते हैं कि चुनाव से पहले राज्य सरकार रसोई गैस पर लगने वाला टैक्स कम कर सकती है। ऐसा करके कांग्रेस के चुनावी वादों की हवा निकालने की कोशिश है। इस पर अंदर खाने मंथन चल रहा है। कांग्रेस ने वादा किया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी तो रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से दी जाएगी। वर्तमान में घरेलू रसोई गैस पर 5% GST लगता है। इसमें से 2.5% केंद्र और 2.5% राज्य को मिलता है, जबकि व्यावसायिक रसोई गैस 18% की दर से GST लगता है। विधानसभा चुनाव से पहले कार्य प्रारंभ करने की तैयारी। राज्य सरकार विकास पर मना रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न जिलों और शहरों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन सहित अन्य कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है तो नए कार्यों के लिए भूमि पूजन भी किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले इन कार्यों का निर्माण प्रारंभ किया जाना है। इसे देखते हुए बाजार से 10,000 करोड़ रुपये कर्ज लेने की तैयारी शुरू हो गई है। वित्त विभाग इस काम में जुट गया है। जुलाई से सितंबर तक ये राशि बाजार से उठाई जा सकती है। पेंशन में वृद्धि की संभावना। आपको बता दें, चुनाव से पहले राज्य सरकार पेंशन भोगियों को भी साधने की तैयारी कर रही है। जानकार बताते हैं कि वृद्धावस्था, सामाजिक सुरक्षा, कल्याणी एवं दिव्यांगजन सहित अन्य पेंशन राशि बढ़ाने विचार चल रहा है। वर्तमान में पेंशन भोगियों को 600 रुपये महीने पेंशन दी जा रही है। कमलनाथ सरकार ने वर्ष 2019 में पेंशन राशि 300 से बढ़ाकर 600 रुपये महीना की। सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने पेंशन राशि 1,000 रुपये महीने करने की घोषणा की थी, जिसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। बता दें कि प्रदेश में 45 लाख पेंशन भागी हैं। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट। नर्मदापुरम में निचले इलाकों में पानी भरा, भोपाल में भी बारिश। आज आधे मध्य प्रदेश में अलर्ट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में गुरुवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल में सुबह 4 से 5 बजे के बीच तेज बारिश हुई, करीब 1.25 इंच पानी गिर गया। नर्मदापुरम में भी सुबह 4 बजे से रुककर पानी गिर रहा है। 4 घंटे में 2 इंच से ज़्यादा पानी गिरने से निचले इलाकों में पानी भर गया, सड़कें डूब गई। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में अभी कम दबाव का साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम, ट्रब लाइन और नमी है, इस वजह से प्रदेश भर में बारिश हो रही है। 28 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और बाकी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। आज 28 जिलों में भारी बारिश है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, झाबुआ, धार, उज्जैन, देवास, गुना, शाजापुर, अगरमालवा, मंदसौर, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और सागर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सरकार निःशुल्क व सस्ती बिजली देने 17,881 करोड़ रुपए का दे रही है अनुदान। आपको बता दें, कांग्रेस के किसानों के निःशुल्क बिजली देने की घोषणा को भले ही बड़ा दावा माना जा रहा है, पर प्रदेश में पहले से 32 लाख किसानों को ही या तो निःशुल्क बिजली मिल रही है या फिर केवल 7% बिल का ही भुगतान करना पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराने पर सरकार इस वर्ष 17,881 करोड़ रुपये व्यय करेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सरकार बनने पर लाई जाने वाली कृषक न्याय योजना को किसानों के साथ धोखा बताते हुए भाजपा ने आरोप लगाया है। कांग्रेस
प्रदेश में इस वर्ष सरकार घरेलू और कृषि क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली मिले इसके लिए 24,196 करोड़ रुपए का अनुदान विद्युत वितरण कंपनियों को देगी। इसमें एक हेक्टेयर तक भूमि वाले अनुसूचित जाति जनजाति के वे किसान जो 5 हॉर्स पावर तक के सिंचाई पंप का उपयोग करते हैं उन्हें बिजली निःशुल्क मिलती है। ऐसे किसानों की संख्या 9,35,000 है। इनके लिए 5,142 करोड़ रुपए का अनुदान सरकार विद्युत वितरण कंपनियों को देगी। इसी तरह अनारक्षित श्रेणी के किसानों को वार्षिक बिल 51,896 रुपये के स्थान पर 3,750 रुपये ही लिया जाता है जो कुल राशि का 7% होता है। इसके अलावा 10 हॉर्स पावर तक सिंचाई पंप का उपयोग करने वाले किसानों को प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष 750 रुपये और इससे अधिक हॉर्स पावर के सिंचाई पंप का उपयोग करने वाले किसानों को 1,500 रुपये प्रति वर्ष प्रति हॉर्स पावर की दर से बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार को विद्युत वितरण कंपनियों को 12,687 करोड़ रुपये का अनुदान देना पड़ेगा। इसके लिए लागू अटल कृषि ज्योति योजना से 26 लाख किसान लंबित हो रहे हैं। मीडिया से चर्चा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार सदैव किसान हित में निर्णय लिए हैं, जबकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जो बातें किए थे उनमें से एक भी 15 माह की कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया। सोने में उछाल, चांदी भी बेहाल, देखिए आज का ताजा भाव। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन आज गुरुवार को सराफा बाजार में सोने चांदी कीमतों में बुधवार की तरह ही तेजी देखी दिखाई दे रही है। आज 27 जुलाई 2023 को सराफा बाजार में सोने चांदी की नई कीमतें जारी की गई। आज सोना 24 कैरेट 320 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगी और चांदी 1000 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी कीमत पर कारोबार करती दिखाई दे रही है। चार महानगरों में 22 कैरेट सोने के भाव की बात करते हैं तो 22 कैरेट सोने कीमत की बात करें दिल्ली सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 55,600 रुपये, मुंबई सराफा बाजार में 55,450 रुपये, कोलकाता सराफा बाजार में 55,450 रुपये और चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 55,800 रुपये पर ट्रेंड कर रही है। चार महानगरों में चांदी का भाव के बारे में बात करते हैं। चांदी कीमत की बात करें तो दिल्ली सराफा बाजार में आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 78,400 रुपये है। मुंबई सराफा बाजार और कोलकाता सराफा बाजार में भी चांदी कीमत 78,400 रुपये है, जबकि चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 81,500 रुपये है। केंद्र सरकार ने जारी की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आवेदन तिथि की अंतिम तारीख, जल्द करें आवेदन। आपको बता दें भारत सरकार के कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देश अनुसार राजस्थान सरकार ने प्रीमियम की दर निर्धारित की है। खरीफ 2023 के लिए फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है। ऋणी किसानों का संबंधित बैंक स्वतः ही प्रीमियम काटकर बीमा कंपनी को भेज देगी। अगर ग्राहक ने अपनी फसल बदली है तो 29 जुलाई तक बैंक में बोई गई फसल का ब्यौरा दे ताकि सही फसल का बीमा काटा जा सके व क्लेम से वंचित न हो। इस बारे में कृषि विशेषज्ञ सुदेश पुनिया ने बताया कि भारत सरकार के नियमानुसार कोई ऋणी किसान फसल बीमा योजना से अलग रहना चाहता है तो बताते हैं कि गैर ऋणी किसान भी 31 जुलाई तक कृषि विभाग या बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट व राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर खरीफ फसलों के लिए बीमा करवा सकेंगे। इसके लिए आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की फोटो कॉपी तथा नवीनतम जमाबंदी आवश्यक है। ऋणी किसान जो बीमा नहीं करवाना चाहते हैं वो 24 जुलाई तक संबंधित बैंक में लिखित में अंडर टेकिंग दे। इसके साथ ही सभी किसानों को अपनी बोई गई फसल का 29 जुलाई तक ब्यौरा देना चाहिए ताकि सही फसल का बीमा किया जा सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए।